संग्रहण का कार्य बढ़ाएंगे और इस तरह से हम और अधिक लोगों की सैंपलिंग कर पाएंगे। हमारे समय इंदौर का नरसिंह बाजार चौराहे स्थित नरसिंह मंदिर के पास मौजूद हूँ कपड़ा मार्केट में, और यहाँ देख सकते हैं आप नरसिंह 14 से मना करने के बावजूद लोग जो है वो भगवान नरसिंह के दर्शन करने आए थे, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, इसके चलते यहाँ पर और कुछ हमारे कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनकी संख्या लगभग 25 है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर हाँ देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो है बड़े सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है। अभी वर्तमान में जो भी मरीज में आ रहे हैं जिन्हें हम श्रेणी के हिसाब से इलाज के लिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इंदौर के प्राचीन नरसिंह मंदिर के सामने की है। दरअसल अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर दोपहर की आरती हुई, और आप देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जमा हो गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग की कुछ धज्जियाँ उड़ी थी, और उसी का कारण रहा कि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। और इस तरह की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह, देखिए आप थाना प्रभारी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, ये मंदिर के ठीक सामने की तस्वीरें हैं, किस तरह से उन्हें हिरासत में लेने की कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए, देखिए आप ये सीधी तस्वीरें, डीजेएन न्यूज आपको बता रहा है कि 15 लोगों की कुल अनुमति थी, लेकिन कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे यहाँ पर, तो उसका ये असर रहा कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। आप लोग देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर सख्ती बरतती हुई। और मैम क्या सूचना मिली थी आपको यहाँ पर? ऐसा है कि परसों उन्होंने कहा था मुझसे कि हम 15 लोग इकट्ठे होकर और आरती करेंगे। इन्होंने पत्र दिया था, हमने इनको समझाया था कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की स्थिति में आप इस प्रकार 15 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उसके बावजूद इनको पत्र की तामीली कराने के बाद और आपके द्वारा किसी भी आयोजन की विधिवत परमिशन नहीं ली गई है और मैं इसको अलाउ नहीं करूंगी, उसके बाद भी ये लोग आज इकट्ठे हुए हैं। अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया? हाँ जी, अभी लिया है और उन पर जो लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई है वो करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संबंधित क्षेत्र की थाना प्रभारी ने बताया कि अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन कुछ लोग इकट्ठा हुए। हमारे सहयोगी ललित शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। ललित जी, बहुत प्राचीन मंदिर है और एक अपना महत्व है, हर साल यहाँ पर नरसिंह जयंती के मौके पर बहुत बड़ा आयोजन भी होता है, आप सुबह से यहाँ पर लगातार बने हुए थे, क्यों ऐसे हालात बने जिसके चलते पुलिस को सख्ती दिखाना पड़ा? देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ से लाइव टेलीकास्ट भी किया और लगातार जो मंदिर समिति के लोग हैं, प्रबंधन के लोग हैं, वो लगातार कोशिश ये कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि यहाँ पर परमिशन नहीं है, सिर्फ जो लोगों को परमिशन दी गई वही मंदिर में रहे, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर एकत्रित होने लगे धीरे धीरे करके। और जहाँ स्थानीय बल भी लगा हुआ था वो भी लगातार मना कर रहा था कि यहाँ पर आप कृपया करके, यहाँ पर इसकी परमिशन नहीं है, मंदिर में दर्शन करने की परमिशन नहीं है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। तो इसमें संबंधित थाना प्रभारी पहुँची और उन्होंने यहाँ पर लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर तब कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन लोगों को ये बात समझना चाहिए कि जितने लोगों की परमिशन दी गई, जितने लोगों को यहाँ पर इजाज़त दी गई थी वही लोग यहाँ रहे, उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। हमने देखा कि आसपास के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे दोपहर में, जो 12 बजे भगवान की जन्म आरती होती है। जी जी। ये उसी का असर रहा क्या कि क्या फिर कुछ लोगों ने जो यहाँ पर जवान तैनात थे उनके साथ में इसी बात आ रही कि बदतमीजी भी की थी और उसके कारण फोर्स यहाँ बुलाया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो जवानों की तैनाती थी उनको लगातार मना कर रहे थे, उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं थे, तब सेट पर सूचना दी गई, संबंधित थाना प्रभारी यहाँ आई और उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पता करेंगे कि वो क्यों घर से बाहर निकले, क्या है उनको इतनी ज़रूरत पड़ गई थी कि वो नरसिंह मंदिर पहुँचे यहाँ पर। आप लगातार आज चूँकि नरसिंह जयंती आ रही है, उसके पहले जो पूरा विवाद हुआ उसके पहले किस तरह से अंदर धार्मिक अनुष्ठान किए गए? जी सुबह से यहाँ पर पूजन आरती और तमाम जो चीज़ें हैं जो प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी की गई है, लेकिन जो शाम को एक शोभा यात्रा यहाँ निकलती थी वो शोभा यात्रा आज कैंसिल की गई लॉकडाउन के कारण, लेकिन सुबह से जो मंदिर के अपने जो पूजा पाठ थे वो लगातार पुजारियों द्वारा किए गए और दोपहर में 12 बजे भी आरती की गई। देखिए हमारे सहयोगी नीलेश करोसिया से मैं आग्रह करूंगा कि मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाएं। दरअसल इंदौर का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है और नरसिंह जयंती के मौके पर यहाँ पर शाम को एक विशेष आयोजन किया जाता है जिसमें साल भर में एक नरसिंह भगवान का जो मुखौटा है वो बाहर निकाला जाता है, एक श्रद्धालु उसे ग्रहण करता है और उसके बाद में लगातार वो सड़क पर भ्रमण करता है और उसमें ये मान्यता रहती है कि जो मुखौटा है उसके बाल इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाल को बरकती बाल माना जाता है।
और उस समय जब नरसिंह भगवान का अवतार यहाँ पर प्रकट होता है तो उनके हाथ में एक सोटा भी होता है और माना जाता है कि जब वो किसी को मारा जाता है तो उसके व्याधि और रोग का नाश होता है। हमारे सहयोगी प्रदीप चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्यों ऐसे हालात बने प्रदीप जी? यहाँ पर क्या हुआ था कि मंदिर समिति ने कहीं लेटर भी दिया था कि हम लोग जो है 15 लोग ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, मगर कुछ पब्लिक जो है जिनकी श्रद्धा भावना थी वो लोग आ गए और उन लोगों ने जो है भीड़ इकट्ठा ही कर ली थी। तो किसी ने थाने को सूचना दे दी, थाने को सूचना देने के बाद तत्काल थाना प्रभारी आए और उनने जो है कार्रवाई करी है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि आज जो लगातार पुलिस जिस तरह से सख्ती बरत रही है उसका ये यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। क्लॉथ मार्केट की ये पूरी तस्वीरें हैं, आमतौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर चहल पहल दिखाई देती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से लॉकडाउन का दौर है तो प्रदेश के सबसे बड़े कपड़ा बाजार की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और उसी से लगा हुआ नरसिंह मंदिर है और वहाँ पर किस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ उसकी सीधी तस्वीरें हमने बताई है। जी ललित जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा अभिषेक जी कि वर्तमान में अब जो लॉकडाउन लगातार जारी है, मैं आपसे थोड़ा सा मैंने आपसे माइक्रोफोन लिया है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि अब वर्तमान में जो स्थितियाँ बन रही हैं, आज जो इंदौर के नई कमिश्नर नगर निगम के उनने पदभार ग्रहण किया, क्या स्थिति बन रही है? देखिए कल रात को नई निगम आयुक्त ने अपना पदभार ग्रहण किया रेजिडेंसी कोठी में और आते से ही वो एक्शन में दिखाई दिए। प्रतिभा पाल जी ने कल पहले तो बैठक ली है और उस बैठक में जो तमाम अधिकारी हैं जो अब तक जो राहत कार्य नगर निगम की तरफ से जारी है उनकी जवाबदारी संभाल रहे हैं, उनसे सुझाव लिए, उसकी समीक्षा की और उसके साथ उम्मीद की जा रही है कि अब कई दायित्व बदल सकते हैं। और आज सुबह जो नवागत नगर निगम के आयुक्त हैं वो फील्ड पर भी दिखाई दी। सबसे पहले वो जो सब्जी वितरण केंद्र है और सब्जी के पैकेजिंग का स्थल है वहाँ पर पहुँची और पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। लगातार कुछ शिकायतें आ रही हैं कि जो सब्जियाँ हैं वो कई घरों में ख़राब पहुँच रही है, तो उसमें के संबंध में ये निर्णय लिया गया कि जो सब्जी आ रही है कई बार वो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, एक के ऊपर एक रखी जाती है कि उसका असर रहता है कि दबने और कुचलने के कारण सब्जियां ख़राब हो रही है। तो अब नगर निगम ने ये व्यवस्था की है कि रैक लगाए जाएंगे तमाम जो सब्जी के वाहन हैं और रैक में अलग अलग तरीके से सब्जियों को इस तरीके से रखा जाएगा कि वो दबे नहीं, कुचले नहीं और ख़राब ना हो। तो आज सुबह से उनने जो है एक वो फिज़िकल ट्रीटमेंट चालू कर दिया है अपनी तरफ से। आज पूरा ज़मीनी जो हकीकत है तमाम योजनाओं की, राहत कार्यों की नगर निगम से जो जारी है उसका उन्होंने पूरा अवलोकन किया है। तो कुल मिलाकर एक अलग तरह की तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि श्योपुर जैसे जिले से वो यहाँ पर आई हैं। कल रात को ही उन्होंने सबसे पहले बैठक ली, उससे पहले इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह तकरीबन 1.25 घंटे के साथ उन्होंने अलग से चर्चा की और कई महत्वपूर्ण मसलों पर, चूँकि इंदौर हॉटस्पॉट के तौर पर तब्दील हो चुका है तो यहाँ पर किस तरह से एक्शन प्लान तैयार किया जाना उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया नए सिरे से। तो अब उम्मीद है कि इसमें मसले को लेकर हम आने वाले समय में कुछ और बड़े निर्णय भी देख सकते हैं। लीजिए लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जो जो निम्न वर्ग का तबका है जिनके पास अब इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी ख़राब हो गई है उन तक वो राशन नहीं पहुँच पा रहा है, वो भूखे उनको रहना पड़ रहा है, तो इस संबंध में इंदौर जिलाधीश क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? देखिए इसका अब आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन रहेगा इसके लिहाज से क्योंकि जो सभी पास अभी तक इशू किए गए थे वो अब निरस्त कर दिए गए हैं। तो यानी कुल मिलाकर जो समाज पास किस तरीके के, जो तमाम ऐसे पासेस थे जो समाज सेवी संगठनों द्वारा फूड पैकेट्स उपलब्ध करवाए जा रहे थे, राशन की सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही थी, तो देखिए एक उससे फ़ायदा तो होता है लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था। शहर में हम देख रहे थे कि लगातार सड़कों पर भारी भीड़ भी दिखाई दे रही थी, पास का एक गलत तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो यही वजह रही कि कल एक विशेष बैठक आयोजित की गई सख्ती का, हमने आपको जिक्र किया कि सख्ती किस तरीके से बढ़ चुकी है उसका ये नज़ारा आज इंदौर के सबसे प्राचीन नरसिंह मंदिर में हमने देखा। और अब जैसे आपने बात बताया कि राशन की जो वितरण की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें इस बात की शिकायत लगातार आ रही है कि जो अंतिम पंक्ति तक का व्यक्ति है उस तक राशन नहीं पहुंच पा रहा, तो निश्चित तौर पर ये अब जो कार्यप्रणाली देखने वाली होगी क्योंकि अब नई निगम आयुक्त के तौर पर एक महिला ने पदभार ग्रहण किया तो वो इस सिस्टम को किस तरीके से संचालित करती है इस पर हम सभी की नज़रें रहेगी। हालांकि आज उन्होंने अपनी प्राथमिकता में जो घर घर सब्जी का वितरण किया जा रहा है, होम डिलीवरी की जा रही है, उसको उन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा है और उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर में वो जहाँ से निःशुल्क राशन और उसके साथ साथ जो राशन की संबंधी व्यवस्था उसकी भी पूरी समीक्षा कर सकती हैं। जी मैं आपके पास वापस आऊँगा अभिषेक। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप जी ये बताइए कि हमको कुछ शिकायतें मिली या सुझाव मिले ऐसा कह लें कि जो पुलिस के कर्मचारी हैं पिछले 10 वर्षों से उनके प्रमोशंस रुके हुए हैं, लगातार इतने घंटे पुलिस के कर्मचारी यहाँ तमाम जगह नौकरी कर रहे हैं, 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि सरकार को ये एक अच्छा मौका होना चाहिए उनको पुरस्कृत करने के लिए कि उनके प्रमोशंस की तरफ ध्यान देना चाहिए? जी हाँ, क्या है कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट पर आ गए हैं, एक एक महीने की हर 30 तारीख को कोई ना कोई 2-4-5 जने रिटायर होते हैं जिनका प्रमोशन होना रहता है।
अगर सरकार चाहे इनका मनोबल बढ़ाने के लिए तो इनका मनोबल बढ़ा सकती है, इन लोगों को जो है प्रमोशन दे दिया जाए कम से कम, ये एक बड़ा उपहार होगा इन पुलिस कर्मियों के लिए। हम सीएम से भी मांग करेंगे इस चीज़ की और गृह मंत्री से भी मांग करेंगे कि भाई आप ऐसा करें कम से कम, क्योंकि डीजीएन आप देख रहे हैं और आप लोग समझें इस चीज़ को कि भाई देखो पुलिस वाले जो कर रहे हैं काम, फ्रंट पे लड़ रहे हैं, पूरे टोटली फ्रंट पे हैं वो, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सीमा पे जो लड़ाई होती है उसी तरीके की लड़ाई है। लोग अपनी जान की बाजी लगाकर मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, मीडिया, पुलिस, जो तमाम जो लोग हैं वो लगातार फील्ड पे बने और लोगों को मैसेज पहुँचा रहे हैं, लोगों के सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग में पिछले 10 वर्षों से जो प्रमोशन रुका हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल असमंजस की बेचारे वो कहते हैं यार हम लोग अगर रिटायर हो जाएंगे तो हम ऐसा ही बनने वाले थे, हम सब इंस्पेक्टर बनने वाले थे, कई कॉन्स्टेबल हैं वो कहते हैं हम हवलदार बन जाते हैं यार कम से कम, मगर क्या है वो रिटायरमेंट के आके वहीं नील बेटा सन्नाटा हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ये सोचे इस चीज़ को कि इन लोगों को प्रमोशन दे दिया जाए तो एक अच्छा उपहार होगा और पुलिस का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि नहीं दुगने शक्ति से काम करेंगे। बिल्कुल चौधरी जी ने सही बताया कि जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं जो पिछले कई 10 सालों से उनका प्रमोशन रुका हुआ है, सरकार के लिए सही समय है कि पुलिस कर्मियों का प्रमोशन करे और जो पिछले कई वर्षों से जो पदोन्नति रुकी हुई है उसको बढ़ाकर, उनको पदोन्नति देकर एक अच्छा मौका है सरकार के लिए उनको पुरस्कृत करने के लिए, क्योंकि लगातार पुलिसकर्मी फील्ड पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा मौजूद है। अभिषेक ये बताइए कि आज तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन जो है 30 मई तक बढ़ा दिया है, उन्हें अधिकृत घोषणा कर दी है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनती है? देखिए मध्य प्रदेश के यदि हम बात करें तो 35 जिले तो कम से कम ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिहाज से बहुत ज़्यादा चिंता का विषय इन ज़िलों में है, और इंदौर तो एक ऐसी जगह है जो निश्चित तौर पर न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी एक परेशानी का सबब बनी हुई है। तो इंदौर के हालातों को देखकर लगता नहीं कि 17 तारीख के बाद में यहाँ पर लॉकडाउन के बारे में कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिसमें रियायत दी जाए, क्योंकि अभी इतना बड़ा त्यौहार सामने आने वाला, ईद का त्यौहार सामने आने वाला है, ईद के मौके पर लोग खरीदारी भी करते हैं, तो सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है कि ईद में असुविधा ना हो, मुस्लिम भाइयों को असुविधा ना हो, क्योंकि तमाम जो है ये मीठी ईद है, सबसे बड़ी ईद है, एक महीने का रोज़ा रखते हैं मुस्लिम भाई, तो इस तरह कोई व्यवस्था की है उनके लिए? देखिए ये बड़ा सोच का विषय है कि अब यहाँ पर ज़रूरत है कि किसी भी इस हालत में किसी भी तरह का त्यौहार यदि हम मनाएं तो वो हम अपने घर में मनाएं, और अब हम देख रहे हैं कि लगातार नवरात्रि हो, हनुमान जयंती हो, या फिर आज हमने तस्वीरें दिखाई नरसिंह जयंती की, थोड़ी सी भी बीच में रामनवमी भी पड़ा था, रामनवमी भी थी, तो ज़रा सी भी गड़बड़ होने पर पुलिस सख्ती दिखा रही है। तो देखिए ये अभी जो इतनी मेहनत की है प्रशासन ने और तमाम अधिकारियों ने, जो तमाम पूरी फौज, नगर निगम की बात करें या फिर जो जितने भी कोरोना के योद्धा इस पूरे प्रकरण में जुटे हुए हैं अपने जीरो जान से, तो कहीं ना कहीं अगर जल्दी रियायत दी जाती है या किसी भी तरह की छूट दी जाती है तो अभी तक का जो किया जा रहा है उस पर पानी फिरने की पूरी तरीके से संभावना है। हमने दिल्ली की तस्वीरें देखी, शराब की दुकानें खोली तो किस तरह से लोग वहाँ पर वापस बंद करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर मैं निश्चित तौर पर तारीफ करूँगा इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, क्योंकि राज्य सरकार के साथ साथ कई ऐसे लोगों का दबाव था शराब की दुकानों को शुरू करने को लेकर, भले ही इंदौर के रेड जोन इलाकों में ना हो लेकिन ग्रीन जोन इलाकों लेकर काफ़ी उन पर दबाव था, लेकिन एक दबाव को दरकिनार करते हुए साहसिक निर्णय लिया उन्होंने, तो इस निर्णय का निश्चित तौर पर स्वागत किया जाना चाहिए। और उसका असर भी हमने देखा कि दिल्ली में जिस तरह के हालात बने, इंदौर जैसे शहर में उस तरह की स्थिति का निर्माण नहीं हो पाया, तो उसके पीछे की वजह ये रही कि दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आज भी राज्य सरकार से ये आदेश जारी किया गया है कि इंदौर में शराब की दुकानों और भांग की दुकानों को, पान की दुकानों को पूरी तरह से प्रतिबंध के दायरे में रखा जाएगा, उन्हें पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। और जैसे कि आपने बात की आने वाले समय की त्यौहार की, तो हम सभी से अपील करते हैं पर अभिषेक मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, रमजान का महीना है, जो लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही है रमज़ान के दौरान या ईद मनाने के लिए सेवैयाँ और तमाम जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी ज़रूरत, तो क्या जिस तरीके से सब्जी या बाकी चीज़ों का वितरण किया जा रहा है, क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में भी इस तरीके का वितरण करने की कोई योजना है? देखिए अभी तक तो प्रशासन ने इसके स्तर पर कोई अपनी योजना तैयार नहीं की गई है, क्योंकि अभी सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है। और देखिए तमाम इस बीच में हमने देखा कि बड़े बड़े त्यौहार आए हैं, तमाम ऐसे अवसर आए हैं, लेकिन सभी ने वहाँ पर कहीं ना कहीं अपना त्याग और समर्पण दिखाया है, अपनी श्रद्धा और भावनाओं को अलग तरीके से प्रकट किया, तो सभी के लिए अब ये अवसर है कि हम लोग कोरोना के खिलाफ सामूहिक तौर पर लड़ाई लड़ें, सामूहिक प्रयास जारी रखें। और इसके लिए हो सकता है थोड़ी असुविधा हो, थोड़ा सा हमारे त्यौहारों को मनाने का रंग थोड़ा फीका पड़ सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि फिलहाल हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें, और उसका सबसे अच्छा पैगाम यही होगा कि हम आपसी भाईचारे के साथ में ये प्रयास करें, ये दुआ करें
करें, ये प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस जैसी महामारी से हमें मुक्ति मिले, ताकि जनजीवन सामान्य आए और आने वाले समय में, चूंकि ये वाला समय तो बहुत ही एक अलग जोखिमपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दौर है, क्योंकि अभिषेक थर्ड फेज लागू हो गया है, ऐसा हमने पढ़ा भी है कि इसमें संक्रमण और तेजी से बढ़ेगा, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संक्रमण अभी पूरी तरीके से एक्टिव है और उसका उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अभी लगातार इंदौर में महीने भर का यदि हम पूरा एक रिकॉर्ड खंगालें तो हम देखेंगे कि लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। उल्टा ये हुआ है कि कई ऐसे इलाके जो अब तक कंटेनमेंट इलाकों में नहीं थे और जहां पर कोरोना ने अब तक प्रवेश नहीं किया था, कोरोना वायरस वहां पर भी अपनी दस्तक दे चुका है। तो ये थोड़ा सा ऐसा दौर है जब विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, और चूँकि ये दौर थोड़ा सा संक्रमण के लिहाज से कठिन परिस्थिति वाला है, तो निश्चित तौर पर अभी मुझे देखिए, हमने जब 1 तारीख को डीजीएनआर न्यूज़ से मनीष सिंह जो कि इंदौर के कलेक्टर हैं, जब विशेष चर्चा की थी, तब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि 3 तारीख के बाद इंदौर में लॉकडाउन में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हालांकि अगले ही दिन केंद्र सरकार की तरफ से भी एक पत्र जारी किया गया जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि इंदौर में 17 तारीख के बाद भी लॉकडाउन का दौर जारी रहेगा, क्योंकि जो अब तक जितनी मेहनत की है उसके लिए कम से कम अभी जब संक्रमित मरीजों की संख्या कम होगी, जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनको डिस्चार्ज करने की संख्या भी इस मामले में बहुत मायने रखती है, तो जैसे जैसे ये अनुपात आपस में बराबर आते जाएगा, संख्या कम होगी इधर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ेगी, तब प्रशासन कहीं ना कहीं बेहतर परिस्थिति में आएगा। और देखिए, रेड जोन से पहले ऑरेंज जोन में आना बहुत ज़रूरी है। इंदौर जिस दिन ऑरेंज जोन में आएगा उसके बाद में कहीं ना कहीं जो ग्रीन एरियाज हैं शहर के, वहाँ पर कुछ रियायत दी जा सकती है, वो भी बहुत ही अलग परिस्थिति में। लेकिन जब तक इंदौर रेड जोन के दायरे में है, किसी भी तरह की रियायत की हम उम्मीद करें तो ये बेमानी होगी। थोड़ा और इम्तहान अभी इंदौर के लोगों का बाकी है, क्योंकि कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन जैसे जैसे अब हम देख रहे हैं कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या, जो ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, उससे कम से कम उन लोगों का मनोबल भी बढ़ रहा है जो संक्रमण के बावजूद अस्पताल में अभी भर्ती हैं, जो आइसोलेशन में हैं। तो ये एक बेहतर परिस्थिति है कि मरीज जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ललित जी, डीजीएनआर न्यूज़ के माध्यम से हम सभी से एक बार फिर अपील करना चाहेंगे कि आवश्यकता है सामूहिक प्रयासों की, और जैसे एक अकेला चना भाड़ नहीं जोक सकता, उसी तरह सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अदृश्य बीमारी से हम लोग लड़ रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि शासन प्रशासन के जितने भी कदम हैं उसमें जनता अपना सहयोग प्रदान करे, क्योंकि 1 और 1 11 हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस बीमारी के खिलाफ हमारा जो संघर्ष है वो बेहतर तरीके से हमें नतीजे दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे साथी रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा ने ये बताया कि थोड़ी सी परीक्षा और बाकी थोड़ा सा संयम और रखें, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें, स्वयं का ख्याल रखें, और इस युद्ध में सभी लोगों का साथ दें, प्रशासन का साथ दें, मीडिया का साथ दें, तमाम लोगों का साथ दें। हमारे सहयोगी नीलेश करोसिया और सिराज अहमद के साथ ललित शर्मा, डीजीएनआर न्यूज़ इंदौर। बने रहिए डीजीएनआर न्यूज़ के साथ।